ईडी ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इंडिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। केस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत फॉरेन एक्सचेंज यानी फेमा के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में दर्ज किया गया है। विदेशी फंडिंग में अनियमितता के आरोप में बीबीसी पर केस दर्ज हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीबीसी के खिलाफ भारत में ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले इसी साल फरवरी में आयकर विभाग ने नई दिल्ली मुंबई में बीबीसी के परिसरों में सर्वे किया था। इस दौरान उससे जुड़े दस्तावेजों की भी जाँच की गयी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अब 22 मई को सुनवाई करेगा। गुरुवार को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने डीए मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जाँच की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी है। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बेटे के एनकाउंटर का पता चलते ही अतीक अहमद फूट फूट कर रोया और प्रयागराज कोर्ट में सिर पकड़ कर बैठ गया। आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस नैनी जेल से अशरफ और अतीक को लेकर सीजीएम कोर्ट पहुंची थी। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी बीच अचानक उसके बेटे असद के एनकाउंटर की खबर आती है। एनकाउंटर की खबर सुनते ही कोर्ट परिसर में ही अतीक अहमद रोने लगा, सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। कुछ देर में उसने पीने के लिए पानी मांगा। इस दौरान अतीक अहमद ने अपने वकील से अलग से मुलाकात की इजाज़त मांगी। जमीन घोटाला मामले में ईडी 3 राज्यों के 22 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसी दौरान रांची में अफसर खान के यहां से ईडी ने कलकत्ता रजिस्ट्रार ऑफिस का फर्जी सील बरामद किया है। ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उस पर काके अंचल अधिकारी की मुहर भी लगी हुई है। एजेंसी ने सभी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। वहीं छवि रंजन के बारे में जानकारी है कि उन्हें पहले संभवतः अंदेशा था कि ईडी उनसे पूछताछ करेगी, इसलिए उन्होंने पूछताछ करने से पहले एक मॉक ड्रिल की थी। उससे संबंधित कुछ कागजात मिले हैं जिसे देखने से प्रतीत होता है कि उन्होंने ईडी के संभावित सवाल के जवाब पूछताछ के स्टाइल में तैयार करवाए थे। जमीन के खेल में धन कुबेर बन बैठे लोगों पर ईडी की दबिश देखने को मिली। खास तौर से अंचल कार्यालय में कार्य करने वालों ने अकुत संपत्ति इकट्ठा कर रखी है। इसी फहरिस्त में आज ईडी के द्वारा बड़गाई अंचल के सीआई के रांची स्थित अभव्य आवास में दबिश दी ईडी ने। जांच के दौरान एक कमरे का नजारा देख ईडी के अधिकारियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि कमरे में सिर्फ जमीन से संबंधित कागजात ही रखे हुए थे। जिन कागजातों को अंचल कार्यालय में होना चाहिए था वो कागजात यहाँ कैसे थे, इसे लेकर फिलहाल ईडी की टीम जाँच कर रही है। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने वन उत्पाद के बढ़ावा देने के लिए एक मिनिमम रेट तय किया है, लेकिन कई बार इसे औने पौने दाम में बेच दिया जाता है। इसी मुद्दे पर जनजातीय मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के उत्पाद के लिए सरकार ने मिनिमम प्राइस रेट तय किया है और किसानों को खुले बाजार में तय रेट से ज़्यादा मिलता है तो बेचें, लेकिन अगर कम रेट मिल रहा है तो सरकार पहल करे। बता दें कि राज्य सरकार पर सवाल उठ रहा है कि इमली तय रेट से कम रेट पर खरीदी जा रही है। जमशेदपुर की सुनीता एक्का ने पूरे देश में झारखंड का मान बढ़ाया है। झारखंड की पहली राष्ट्रीय रेफरी और जज बनी है सुनीता। आपको बता दें कि सुनीता एक्का पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सर भी रही हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सुनीता को राष्ट्रीय रेफरी और जज बनाए जाने की घोषणा की गई है। सुनीता जमशेदपुर की रहने वाली है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद और 5 विधायकों को जिम्मा दिया गया है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह, राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू को कर्नाटक का विधानसभा चुनाव में पार्टी का काम करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिरंची नारायण, अनंत ओझा, नवीन जायसवाल, नीरा यादव और कोचे मुंडा को कर्नाटक में कैंप करने की जिम्मेदारी दी गई है। कर्नाटक विधानसभा के 224 सीटों के लिए पूरे देश से अलग अलग राज्यों के 224 नेताओं को काम पर लगाया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्य केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भी नाम इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने धनबाद से नियुक्त किए गए लोगों को संबोधित भी किया। धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में आए शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज 70,000 से ज़्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी मिली है। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। वहीं सांसद पीएन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए नियमित भर्तियां निकाल रही है। यह कार्यक्रम नियुक्ति पत्र देने के लिए रखा गया है। यह चौथा कार्यक्रम है जिसमें आज 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया।